यहाँ पे बैठकर भगवान बुद्ध जी अपने 5 शिष्य लोगों को पहला उपदेश दिए थे सर, लगभग 900 साल पुराना है। भगवान बुद्ध का शरीर का अस्थि भी इस मंदिर में रखा हुआ है, जिसके पेड़ जिस पेड़ के नीचे बुद्ध जी को ज्ञान हुआ था बुद्ध गया बिहार में, उस पेड़ का ये डाली है। यहाँ पे बिबिंग हो रहा है, कैसे साड़ियाँ वगैरह बना रहे हैं, इधर लोकल लोग अपना बनाते हैं। ये देखिए कोसा सिल्क में आता है, लाइट वेट की साड़ी आएगी। इंच है। तालिबानी लोग जो मूर्ति तोड़ दिए थे बुद्ध जी का अफगानिस्तान में, पे उसी का कॉपी बना हुआ है। देखिए आपको दिखाते हैं अब थाई टेंपल। तो भाई यहाँ पे एंट्री के साथ गार्ड ने बोला कि भाई कैमरा अलाउड नहीं है। तो भाई ये सब रियल कार्विंग्स हैं 2300 साल पहले के, और कहा जाता है ये गौतम बुद्ध के शिष्य के लिए बनाया गया था। हुआ है, अब अंदर खुदाई हुई नहीं है तो पता नहीं अंदर कहाँ तक क्या जाता था। पर तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज भाई हम आए हुए हैं एक बहुत ही हिस्टोरिकल डेस्टिनेशन पे, जो कि है सारनाथ। और गाइस आज हम दिखाने वाले हैं यहाँ का सारा स्टोरी, क्या क्या टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ पे, कहाँ आपको घूमना चाहिए, कितना टाइम लग जाएगा, सारा कुछ आपको इस वीडियो में कवर मिल जाएगा। तो गाइस बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। और आपको जानकारी देने के लिए गाइस हमने एक गाइड भी कर रखा है, जो कि 20 साल का एक्सपीरियंस है उनका, और प्रॉपर वो आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत ना हो। तो सारनाथ आप लोग जो घूमने आए हैं, जिसके लिए गाइड लिए, हम लोग सोसाइटी का है अपना लोकल, यहाँ पे बता देते हैं जो जानकारी है जितना हो सकता है हम लोग बताते हैं। सारनाथ जो घूमने आए हैं आप लोग को पता है, अच्छी तरह जान रहे हैं, ये बुद्धिस्ट प्लेस है और इसका तीसरा स्थान है बुद्धिस्ट प्लेस में, थर्ड प्लेस है। वैसे भगवान बुद्ध का जीवन का 4 स्थान मेन है, इम्पोर्टेंट 4 प्लेसेज, उनमें सारनाथ का तीसरा स्थान है। सबसे पहला स्थान जो है फर्स्ट लुम्बिनी है, नेपाल में पड़ता है, जहाँ पे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, पहला स्थान। दूसरा स्थान है बुद्ध गया बिहार में, जहाँ पे भगवान बुद्ध जी को ज्ञान हुआ था पीपल के पेड़ के नीचे में, जिसको लोग बोधि ट्री बोलते हैं। सारनाथ ये तीसरा स्थान है, थर्ड प्लेस है। ये जो स्तूप आप लोग देख रहे हैं सामने, यहाँ का मेन चीज़ यही है, सबसे पुराना इम्पोर्टेंट ऐतिहासिक चीज़ है ये, 2300 साल पुराना है ये। यहाँ पे बैठकर पहले ये स्तूप नहीं था, एक छोटा सा आसन बनाकर ऐसे जैसे आप लोग यहाँ खड़े हैं, यहाँ पे बैठकर भगवान बुद्ध जी अपने 5 शिष्य लोगों को पहला उपदेश दिए थे। कहने का मतलब यहीं से बौद्ध धर्म का शुरुआत हुआ। और फोर्थ प्लेस से लास्ट जगह है, चौथा स्थान कुशीनगर गोरखपुर के पास में, जहाँ पर भगवान बुद्ध जी अपने शरीर को छोड़ दिए। ये मेन 4 स्थान है। तो ये इतना बड़ा स्तूप जो है भगवान बुद्ध के 200 साल बाद में, जब सम्राट अशोक बुद्धिस्ट हो गए उड़ीसा में कलिंगा विजय प्राप्त करने के बाद, बौद्ध धर्म को अपनाए, तो ये स्तूप जो है सम्राट अशोक ने बनाया बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। इसकी ऊंचाई 103 फीट है सर, 103, और इसकी जो डायमीटर है गोलाई है वो 93 फीट है, 93 फीट है। 2300 साल पुराना है ये। अंदर जाने का इसमें कोई गेट वगैरह नहीं है, सॉलिड है। आपका इच्छा होगा तो टिकट लेकर उस पार्क में भी जा सकते हैं, 25 रुपये का टिकट है। सम्राट अशोक ने, जो हम लोग को जानकारी है, ऐसे डिटेल नहीं है, कहने के लिए लोग बहुत कहते हैं 84,000 बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन इंडिया में मोटा मोटी छोटा बड़ा मिलाकर लगभग 360 स्तूप बनाए थे, उसी में से ये भी एक सारनाथ का है। जैसे MP में सांची स्तूप है, उड़ीसा में है, कुशीनगर में है, नालंदा में, उस तरह से ये सारनाथ का है। शॉर्टकट में इसको बोलते हैं धनक स्तूप, इसका पूरा नाम है धर्म चक्र स्तूप। तो ये सामने में जो है ये दिगंबर जैन टेम्पल है, श्री अनंतनाथ जी की जन्मभूमि है। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर लोग का जन्म हुआ है, 24, उनमें से ये 11th है, 11वें नंबर पे हैं। मंदिर को जैन समाज के लोगों ने 200 साल पहले बनाया है। मूर्ति जो है सर लगभग 900 साल पुराना है, ऐसा वो मंदिर का जो पुजारी है या जो समाज के लोगों का कहना है। मूर्ति जो है कौशाम्बी से लाया गया है, अंदर बोलना नहीं है, अपना शांति से दर्शन करिए, फिर हम लोग आगे मेन मंदिर पे चलेंगे। A few moments later. तो भैया आज क्या क्या घुमाने वाले हैं आप हम लोग? अभी आपने स्तूप देखा है, उसके बाद अब आप सारनाथ का जो मेन मंदिर चलेंगे और बोधि वृक्ष देखेंगे, जापान मंदिर, मैत्री बुद्धा, उसके बाद आप थाई मंदिर भी चलेंगे,
उसके बाद अगर इच्छा होगा तो आपका म्यूजियम में भी आप जाएंगे। तो भैया ये सारे डेस्टिनेशन जो आपने बताए इनमें भैया कितना टाइम लग जाएगा? लगभग एक सवा घंटा लग जाता है, एक डेढ़ घंटा लग जाएगा। तो भैया जैसा कि हमारे व्यूअर्स का कहना है कि एक दिन में पॉसिबल हो पाएगा नहीं घूमना यहाँ, तो क्या वो पॉसिबल है एक दिन में? नहीं, सारनाथ आप एक दिन में घूम सकते हैं आराम से, 4-5 घंटा में। अब यहाँ पे पार्क है, बड़ा जगह है, आपको कहीं देर तक रुकना है और बैठना है, टाइम पास करना है, तो और समय लगा सकते हैं। हाँ ये बात तो है। तो गाइज चलिए अपने अगले डेस्टिनेशन पे, भैया ने हमको ये स्तूप के बारे में अभी जानकारी दे दी है। और नेक्स्ट कहाँ चल रहे हैं भैया? सारनाथ का मेन टेंपल चल रहे हैं, बुद्धा का जो मूलगंध कुटी विहार के नाम से जाना जाता है, उसको सारनाथ का मेन मंदिर है। तो गाइज चलिए चलते हैं उस मंदिर पे और भैया से जानकारी लेते हैं वहाँ की। और आपको गाइज अभी रास्ते में मिला है हमें ये जापानीज टेम्पल यहाँ का, तो जापानीज टेम्पल के एंट्रेंस पे खड़े हैं और आपको दिखाते हैं। गाइज ये देख, इसके अंदर दो मूर्ति है भगवान बुद्ध जी का। मंदिर का जो मॉडल है, स्टाइल है, ये पैगोडा है। और एक आने वाला बुद्ध जी का है जो भविष्य में आएंगे, उनको मैत्री बुद्धा के नाम से जाना जाएगा। और एक जो हर मंदिरों में होता है बुद्ध जी का, उनका है। सामने जो मूर्ति ये जो लगा हुआ है आप देख रहे हैं, ये अनागारिक धर्मपाल जी का है। श्रीलंका के रहने वाले थे, बुद्धिस्ट थे। सारनाथ में आकर महाबोधि सोसाइटी का स्थापना इन्होंने किया था। सारनाथ का जो मेन मंदिर आप चल रहे हैं देखने के लिए, मूलगंध कुटी विहार, उस मंदिर का नाम है, जस्ट इसी के बाजू में है। वो मंदिर दोनों बुद्ध का है, एक आने वाला बुद्ध जी का है, इसीलिए दो मूर्ति बना है इसमें। तो जो मेन मंदिर है अभी चलेंगे उस मंदिर को, सारनाथ में इन्होंने बनवाया था। इनका जन्म 17 सितंबर 1864 में हुआ था श्रीलंका में। 1891 में आकर सारनाथ में महाबोधि सोसाइटी का स्थापना किए और 1931 में यहाँ का जो मेन मंदिर है मूलगंध कुटी विहार, उस मंदिर को बनवाए थे। ये धर्मपाल जी महान पुरुष थे और 1933 में यहाँ पे इनका डेट हो गया था सारनाथ। ये सामने जो हम लोग आ गए हैं सारनाथ का मेन मंदिर पे, मूलगंध कुटी विहार इस मंदिर का नाम है, मुख्य रूप से मानकर पूजा करने वाला मंदिर। मैंने बताया था आपको इसी मंदिर का नाम है मूलगंध कुटी विहार, मैत्री बुद्धा मंदिर के पास में हमने बताया था। ये मंदिर यहाँ पे 1931 में बना है। बनने का काम 21 में चालू हुआ, 31 में कम्प्लीट हुआ, 10 साल लगा। और इसके अंदर जो भगवान बुद्ध जी की प्रतिमा है, मूर्ति है, स्टोन का, पत्थर का, उसके ऊपर गोल्डन पेन पॉलिश किया गया है। चुनार का पत्थर से ये मंदिर बना हुआ है, रेड स्टोन। और एक चीज़ और आपको इम्पोर्टेंट बता दें, भगवान बुद्ध का शरीर का अस्थि भी इस मंदिर में रखा हुआ है। साल में एक बार आप लोग को दिखाते हैं कार्तिक पूर्णिमा को, बाकी समय मंदिर के अंदर में वो लॉक रहता है। अभी जो मूर्ति आप दर्शन करेंगे थोड़ा ऊंचाई पे है, वहाँ पे उसी मूर्ति के नीचे रखा हुआ है। कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन को दिखाया जाता है, जैसे भगवान बुद्ध का असली वो अस्थि है। हाँ, यहाँ पे इस मंदिर में रखे, जहाँ भी आप जाएंगे कहीं कहीं हाँ बाहर निकाल देते हैं, बीचों बीच हॉल में रख देते हैं अस्थि कलश को और लोग दर्शन करते हैं। उस टाइम ये गेट भी खुला रहता है, बहुत भीड़ होता है, मेन गेट से लोग एंट्री करते हैं, ऐसे देखते हुए इधर से भी निकल जाते हैं, बाकी समय मंदिर के अंदर लॉक रहता है वो। पे आ गए भैया हम लोग। हाँ, अभी आप मंदिर में जाएंगे, मंदिर के बारे में मैंने बताया अभी पहले आपको, मूलगंध कुटी विहार के बारे में। उसके बगल में ये राइट हैंड में देखिए, ये बोधि वृक्ष है, सामने पीपल का पेड़। हाँ, जिसके पेड़, जिस पेड़ के नीचे बुद्ध जी को ज्ञान हुआ था, बुद्ध गया विहार में, उस पेड़ का ये डाली है, यहाँ पे बाद में लगा है 1931 में। और ये सामने में 5 शिष्य लोगों का मूर्ति है जिनको बुद्ध जी उपदेश दिए थे सारनाथ में, कैसे उपदेश दिए थे वो चीज़ यहाँ दिखाया गया है। ओरिजिनल प्लेस जो स्तूप हमने आपको दिखाया जहाँ पे बुद्ध जी उपदेश दिए थे, सम्राट अशोक का बनाया हुआ, वो मेन स्तूप है। और ये पेड़ के नीचे जो शीशे में मूर्ति लगा है छोटा छोटा, जो बुद्ध जी का अब तक अवतार हुए हैं, जो रूप माने गए हैं बुद्ध का अवतार का, वो सब मूर्ति लगा हुआ है। सामने ये जो घुमा रहे हैं ये चक्र है, ये पूजा के लिए घुमाते हैं। और इधर ये देखिए सामने जो घंटा लगा हुआ है अष्ट धातु का,
पूजा के टाइम बजाते हैं, मंदिर में पूजा होता है शाम को 6 बजे और मॉर्निंग में सुबह में 4 बजे भोर में, और बाकी समय ये लॉक रहता है। तो ये बोधि वृक्ष का हिस्ट्री है यहाँ पे। अभी आप इसके अंदर भी एक राउंड करना है तो अपना आराम से राउंड कर सकते हैं, घूम सकते हैं। और मंदिर में भी आपको जाना है, मंदिर सामने है, मुरलगंज कुटी विहार, आइए उसके तरफ भी एक बार घूम कर उसे। सारनाथ का मेन मंदिर है ये मूलगंध कुटी विहार, सामने से आप लोग एक बार फिर देख रहे हैं। तो गाइस मंदिर की तरफ से यहाँ पे शरबत ग्लूकोन डी आपको पिलाया जा रहा है इस भीषण गर्मी में। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे जो बनारसी सिल्क साड़ी एम्पोरियम है, यारसी साड़ी फेमस जो है यहाँ का, वो हैंडमेड बनाया जाता है गाइस, तो वो दिखाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पे बीबिंग हो रहा है, कैसे साड़ियाँ वगैरह बना रहे हैं। इधर लोकल लोग अपना बनाते हैं, बनाने के बाद इधर में अपना रखते हैं, जमा करते हैं। इस दुकान में जितना भी साड़ी मिल रहा है यहीं से बनता है, ये एक खुद बनाती है अंकल जो बना रहे हैं। हाँ ये एक खुद तो देखने के लिए लगाया गया है, डेमो के लिए। अच्छा, और भी गांव में बन रहा है, और भी जगह से, और जगह से भी बनकर आता है यहाँ। वो पत्ते के ऊपर में डिजाइन है, वो डिजाइन साड़ी पे बना रहे हैं, नीचे वर्क हो रहा है। ये देखिए कोसा सिल्क में आता है, लाइट वेट की साड़ी आएगी, 6.5 मीटर लेंथ होता है, ब्लाउज पीस के साथ। तो भैया ये जो हैंडमेड साड़ी वगैरह आप लोग बेचते हैं, जी जी, तो उनका प्राइस कितना रहता है भैया? देखिए स्टार्टिंग प्राइस 1050 से होता है, ये आपको 1050 का मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसमें आपको बेस यही रहेगा, कोसा सिल्क में आता है। मटेरियल कौन सा भैया? कोसा सिल्क। कोसा सिल्क जी, जी। बेस इसका यही रहेगा, इसमें हेड पीस की मैचिंग आपको डिफरेंट आएगी, इसमें हेड पीस की मैचिंग आपको डिफरेंट आएगी। एक देखिए जामदानी वर्क में आता है कतान सिल्क, ये सिल्क का ओरिजिनल बेस होता है, इसमें आपको डिजाइन डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे आएंगे। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं थाई टेंपल पे। अब देखिए हम लोग थाई टेंपल में आ गए हैं, और सारनाथ का अभी नया में ये सबसे बढ़िया मंदिर है। इसके अंदर एक बड़ा मूर्ति है बुद्ध जी का, 80 फीट 9 इंच है। तालिबानी लोग जो मूर्ति तोड़ दिए थे बुद्ध जी का अफगानिस्तान में, लोगों का ऐसा मानना है, कहना है कि यहाँ पे उसी का कॉपी बना हुआ है। तो गाइस मूर्ति 108 फीट की बनी हुई है, और ये देखो इसमें पूरा मछली भरा हुआ है भाई, काले काले रंग की, दिख भी नहीं रही होगी कैमरे में तो। और ये कमल फूल का एक तरह का ही प्रजाति है वो लगा हुआ है, और बुद्ध भगवान की मूर्तियां बनी हुई है। तो गाइस अफगानिस्तान में जो भगवान बुद्ध की मूर्ति बनी हुई थी पहाड़ में बहुत ही प्राचीन, उसको तालिबानों ने तोड़ दिया था, तो ये मूर्ति भाई उसी की कॉपी बनाई गई है यहाँ पे। तो गाइस यार बहुत गर्मी हो रही है यार, मेहनत कर रहे हैं, लाइक कर देना। देख लो गाइस भगवान बुद्ध। तो गाइस देखिए आपको दिखाते हैं अब थाई टेंपल। We'll be right back.
तो गाइस धामेक स्तूप देखने के लिए आपको ऑनलाइन टिकट काटना पड़ेगा जो कि 80 रुपये पड़ते हैं जिसके, और स्कैनर सामने लगी होती है। तो भाई यहाँ पे एंट्री के साथ गार्ड ने बोला कि भाई कैमरा अलाउड नहीं है भाई, छोटा सा गोप्रो है बट फ़ोन से रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये लॉजिक भाई मेरे को समझ में नहीं आया, फ़ोन से भी वीडियो ही बनेगी, इससे भी वीडियो ही बनेगी, पर पता नहीं उसने क्यों भाई मना किया। तो ये अशोक पिलर है ना, ओरिजिनल अशोक पिलर का टूटा हुआ देख लो भाई, स्तंभ बचा हुआ है अभी भी, ऊपर वाला पार्ट कहाँ गया है पता नहीं बट पिलर यही है। बाकी ये देखो कुछ लिखा हुआ है, इस पे उर्दू में लिखा है या कौन सा भाषा में लिखा है पता नहीं है, कुछ तो लिखा है उसके ऊपर। पुराना वाला लिपि है जो बहुत पुराना अशोक सम्राट के समय। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये QR कोड स्कैन कर लेना। सारनाथ, ये देखो भाई पुराने ज़माने में पत्थर में कार्विंग करके क्या ही मस्त डिज़ाइन बनाया गया है, अभी तक पड़ा हुआ है खंडर। गाइड ने बताया था यहाँ कौन सा, हाँ ये जो मंदिर था ना यहाँ का, सारनाथ का मेन मंदिर का रिमेन्स है, जो कि इसका कॉपी हमने आपको दिखाया था वो उधर बना हुआ है। तो ये देख लो, ये यहाँ पे रियल मंदिर था गाइस, जो कि खुदाई में निकला था और टूट चुका है अभी। पीछे 1829 ये देखिए गाइस पंचायतन मंदिर के कुछ अवशेष। भाई साहब कितना ही विशाल होगा, कितना छोटा सा पोर्शन बचा हुआ है इसका। तो गाइस ये सब रियल कार्विंग्स हैं 2300 साल पहले के, और बाकी ये जो प्लेन वाले हैं जो डैमेज हो रहा है ये यहाँ की गवर्नमेंट इसको रिपेयर करती है, तो प्लेन वाला स्टोन लगा दे रही है। गाइस कहा जाता है इसके अंदर भगवान बुद्ध के अवशेष अभी भी मौजूद हैं, हालांकि कोई पक्का सबूत अभी तक मिला नहीं है किसी को वैसे पता भी नहीं है, किसी ने चेक नहीं किया है, ऐसा यहां के लोगों का मानना है और बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं। ये जो इधर आप ये देख रहे हो, कहा जाता है ये गौतम बुद्ध के शिष्य के लिए बनाया गया था भाई, यहाँ पे मेडिटेशन करते थे वो लोग। तो दोस्तों ये है धर्मराज का स्तूप, ये भी भाई कहा जाता है इसके अंदर भी अवशेष रखे हुए हैं भगवान बुद्ध के, जो इसको बनवाया था सम्राट अशोक ने। 49 फीट इसकी हाइट थी, हालांकि उस वाले धामे के स्तूप से तो छोटी ही थी, पर भाई ये देख लो यहाँ पे नक्शा बना हुआ है, की प्लान पूरा देख सकते हो आप। तो गाइस ये देखो उसके अंदर जाने के लिए सीढ़ी तक भी बना हुआ है, अब अंदर खुदाई हुई नहीं है तो पता नहीं अंदर कहां तक क्या जाता था, पर भाई होगा तो बहुत ही ज़्यादा, इसके नीचे भी है बहुत कुछ होगा इसके नीचे पर। तो दोस्तों हम लोग का हो गया घूमना फिरना यहाँ पे, आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट लाइक कर देना भाई, और चलो फिर मिलते हैं गाइस, हम लोग का होलिया बहुत गर्मी है, आना तो भाई शाम में ही आना, ठीक है भाई। तो दिस इज आयुष्मान साइनिंग ऑफ, बाय।
जाने से पहले ये बता दीजिए, अगर यहाँ पे लोगों को आना चाहे तो कैसे आ सकते हैं लोग? अब सारनाथ में आना है तो अब एरिया अलग अलग है, अब कहाँ से आते हैं। मेन तो फाइनली उनको बनारस ही आना पड़ेगा पहले। मुगल सराय से भी आना चाहें तो मुगल सराय से भी आ सकते हैं सीधे, फिर वो आपको कैंट ही आना पड़ेगा, कैंट से फिर सारनाथ आना पड़ेगा। तो ठीक है भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत काफी अच्छी जानकारी दी भैया ने। तो चलिए भाई, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप लोग का यात्रा मंगलमय हो, हमारे तरफ से शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, थैंक यू सर, धन्यवाद।